नमस्कार दोस्तों हर्षद द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली न्यूज़ एनालिसिस 14 मार्च 2022 आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं वैसे आज मंडे है संडे को ऑफिस की छुट्टी रहती है इसलिए न्यूज थोड़ा कम है पांच न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सबसे पहला न्यूज़ पीएम ब्रीफ डॉन्ट मिसाइल इशू रिव्यूज डिफेंस सिचुएशन देखिए मिसेल इशू के बारे में आपको मालूम है कल भी मैंने कवर किया था मिसेल टेस्टिंग के टाइम टे पर टेक्निकल मैल की वजह से पाकिस्तान की ओर चला गया था तो इस बारे में पीएम को ब्रीफ किया है बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मीटिंग हुआ था तो इस न्यूज हम डिस्कस करेंगे फिर देखिए वेस्टर्न गट्स में स्पॉटेड रॉयल बटरफ्लाई डिस्कवर हुआ है इसके बारे में देखेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है फिर दीनदयाल अंत्योदय अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में एक न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे फिर यूक्रेन में इंडिया की जो एम्बसी है उसे रीलोकेट करने के लिए डिसीजन हुआ है बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है इस वजह से है ये जो एम्बसी रिलोकेशन है ये टेम्पररी है जब तक ये वार चलेगा तब तक तो, तो नेबरिंग कंट्री में एम्बसी को रिलोकेट करना पड़ेगा तो इस बारे में न्यूज है वो देखेंगे फिर यूक्रेन क्राइसिस डिलेज एके टू जीरो थ्री रीट्रायल्स देखिए ए के टू जीरो थ्री हमने ऑर्डर किया था रशिया से अब ये जो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इसकी डिलीवरी लेट होगा इस बारे में डिस्कस करेंगे तो टोटल फाइव न्यूज है आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे एलुसिडेट ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा अक्सर एग्जामिनेशन में कोई टॉपिक को एलुसिडेट करने के लिए बोलते हैं इसका मतलब क्या है टू मेक समथिंग क्लियर बाई एक्सप्लेनिंग इट देखिए कोई टॉपिक को क्लियर करना मतलब आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखना है जो आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उनको पूरी तरह समझ में आना चाहिए इश्यू क्या है स्पष्ट करना व्याख्या करना यह होता है एलुसिडेट शुरुआत करते हैं दोस्तों पीएम ब्रीफ डोट मिससेल इश्यू रिव्यूज डिफेंस सिचुएशन देखिए बैकग्राउंड तो आपको मालूम है एक मिसाइल टेस्ट के टाइम पर टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से मिसाइल डायरेक्शन अपने आप चेंज करके पाकिस्तान की तरफ चला गया और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जाके गिरा ठीक है एक्चुअली एक मेजर मिस्टेक इंडिया की तरफ से फिर भी इंडिया ने अपना रिग्रेट बोला है पाकिस्तान को फिर भी पाकिस्तान इस इशू को एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश में है उन्होंने बोला है एक जॉइंट प्रोब होनी चाहिए वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक हाई लेवल प्रोब इस इंसिडेंट को लेके ऑर्डर किया है पाकिस्तान ने बोला ये जो प्रोब आपने ऑर्डर किया ये सफिशेंट नहीं है इस प्रोब में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होनी चाहिए मतलब एक जॉइंट प्रोब होनी चाहिए करके पाकिस्तान का डिमांड है ये मैंने आपको कल बताया था अब देखिए इसलिए कि इश्यू सीरियस होते हुए हो जा रहा है पाकिस्तान की वजह से तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ब्रीफ किया इस इशू के बारे में और एक मीटिंग हुआ था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी है अलग अलग कैबिनेट कमेटीज आपको मालूम ही है इसमें जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसे हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है इट डिबेट्स एंड इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन सीनियर अपॉइंटमेंट्स इन द नेशनल सिक्योरिटी अपायरस देखिए नेशनल सिक्योरिटी अपायटस में जितने सीनियर अपॉइंटमेंट्स वगैरह है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डिसाइड करते हैं इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन से सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में होता है जैसे कि डिफेंस पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर एंड जनरली ऑल मैटर्स ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी तो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक फाइनल वर्ड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से आता है आप देखिए इस कैबिनेट कमिटी में कौन कौन मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन है फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पर देखिए इनके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कैबिनेट सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी भी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑलरेडी एक स्टेटमेंट इशू हुआ है कि ये जो मिसाइल फेयरिंग हुआ था वो एक्सीडेंटल था एक टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से हुआ था ड्यूरिंग रूटिंग मेंटेनेंस और गवर्नमेंट ने इस, इस इशू को बहुत सीरियसली लिया है हमारी तरफ से एक सीरियस लाभ हुआ है और हमने एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर किया है ही ने स्टेटमेंट के थ्रू ये भी बोला था ये इंसिडेंट डीपली रिग्रेटेबल है मतलब देखिए इस इश्यू को लेके जो कुछ भी करना था वो हमने कर लिया क्योंकि देखिए दोस्तों इशू तो सीरियस है एक मिसाइल टेस्ट फायरिंग के टाइम पर ये डायरेक्शन चेंज होकर दूसरे कंट्री में चला जाना वो भी पाकिस्तान जैसे कंट्री में चला जाना कोई छोटी बात नहीं है इसलिए हमारी तरफ से गलती हुआ है हमने बोला है इंसिडेंट डीपली रिग्रेटेबल है और हमने एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर किया है और क्या करें भाई मतलब जो कुछ भी करना था हमने कर लिया पर पाकिस्तान खुश नहीं है पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने हमारा चार्ज डी अफेयर्स को दो बार डीमार्च करवा चुका है क्या होता है डीमार्चिंग ये रिक्वेस्ट और इंटरसेशन विद ए फॉरेन ऑफिशियल देखिए जब भी कोई फॉरेन ऑफिशियल के साथ मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं बेसिकली कुछ इश्यू के बारे में उनसे पूछने के लिए डी मार्चिंग बोलते हैं है। है। तो हमारी है। है। मतलब, हाई लेवल ऑर्डर किया उसमें इंडियन ऑफिशियल्स होगा तो पाकिस्तान का कहना है पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी होना चाहिए हम दोनों मिलकर ज्वाइन प्रोफ करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं है अजीब बात है अब देखिए चार्ज डी अफेयर क्या होता है मैंने आपको कल ही बताया था ये बेसिकली एक पर्सन है अपॉइंटेड टू एक्ट एज अड ऑफ ए डिप्लोमैटिक मिशन इन ए फॉरिन कंट्री वाई द एम्बेडर इज ए वे देखिए नॉमली फॉरिन कंट्रीज में या तो एम्बेसडर होता है या फिर हाई कमिश्नर होता है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर का डिफरेंस क्या है मैंने आपको कल भी बताया था बेसिकली जितने कॉमनवेल्थ नेशंस हैं अर्स्ट वेल जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थे उन सारे कंट्री में जो टॉप फॉरिन सर्विस ऑफिसर हैं उन्हें आप हाई कमिश्नर बोलते हो हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसे हाई कमीशन बोलते हैं उधर का टॉप ऑफिसर को हाई कमीशन बोलते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री से उधर एम्बेसडर रहते हैं ठीक है थीके? तो चार्ज डे अफेयर्स मतलब ही इज़ द हेड ऑफ ए डिप्लोमेटिक मिशन वाइल द एम्बेसडर इज अवे जब एम्बेसडर नहीं रहते हैं ना तब कमांड डे अफेयर्स के पास में है वैसे डे अफेयर्स जो है माइनर डिप्लोमेटिक मिशन भी हेड करते हैं ठीक है अब देखिए सोर्सेस का कहना यह है पाकिस्तान इज प्लानिंग टू टेक द मिसेल इंसिडेंट टू मल्टी फोरम्स देखिए अभी पाकिस्तान को मौका मिल गया है गलती तो हुआ है हमारी तरफ से अब इस इश्यू को लेके हमने माफी भी मांग चुका है हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर कर चुका है पर पाकिस्तान इस इश्यू को मल्टीलैटरल फोरम्स में डिस्कस करेगा उनकी कोशिश वही रहेगा कि इंडिया की तरफ से गलती हुआ है ये पूरी दुनिया को बताना है पर देखिए दोस्तों पूरी दुनिया को ये पता है इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में इंडिया इस तरह की चिंदी चिंदी एक्टिविटीज करते नहीं है ये भी उनको ठीक से मालूम है अब पाकिस्तान को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो जो बोलना है बोलता रहेगा ठीक है तो पेपर थ्री जनरल स्टडीज टू इंडिया नेबरहुड रिलेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज में यूनो साहब को कहा

हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसे हाई कमीशन बोलते हैं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसे हम एम्बसी बोलते हैं बस इतना ही डिफरेंस है इनके जो है से, रोल से से है से, वो सारे सेम है। तो यूक्रेन में हमारा एम्बसी था तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन में जो एम्बसी है उसे टेम्परली पोलैंड में रीलोकेट किया है जब प्रेजेंट कंडीशन थोड़ा सुधर जाएगा तब हम वापस यूक्रेन में ही एम्बेसी सेटअप करेंगे ठीक है आप देखिए इसके साथ साथ यूक्रेन का मैप भी हम डिस्कस कर लेते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काफी बार हमने डिस्कस किया है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से मैंने आपको बताऊंगा वैसे यूक्रेन कितने कंट्रीज़ के साथ हाँ, अपना बॉर्डर शेयर करता है ईस्टर्न साइड में रशिया वन फिर बेलारस टू पोलैंड थ्री स्लोवाकिया फोर हंगरी फाइव रोमानिया सिक्स एंड मोल्डोवा सेवन टोटल सेवन कंट्रीज के साथ यूक्रेन बॉर्डर शेयर करते हैं साउथ साइड में ब्लैक सी है ब्लैक सी का ही एक पार्ट है सी ऑफ अजोव आपको इधर दिख रहा है सी ऑफ अजोव में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं लाइक मरियोपोल्ड ठीक है इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी यह है क्रीमियन पेन्सुला जो 2014 में रशिया ने यूक्रेन से अनेक्स किया था और एक इंपॉर्टेंट रिवर है निपो रिवर ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये निपो रिवर है निपो रिवर का माउथ जो है ब्लैक सी की तरफ से ठीक है तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप ध्यान दीजिएगा तो अब यूक्रेन की जो एम्बसी है वो कहां रिलोकेट किया है पोलैंड में किया है तो इसके साथ साथ और एक डिसीजन हुआ है वाइंडिंग डाउन ऑफ ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा गंगा देखिए गवर्नमेंट इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है करीब बीस हजार स्टूडेंट्स को और अदर इंडियन सिटीजन को यूक्रेन से और नेबरिंग कंट्री से वापस इंडिया पहुंच जाए ऑपरेशन गंगा के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है इट वॉस एन इवैक्यूएशन ऑपरेशन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट द इंडियन सिटीजन अमिट द रशन ऑफ यूक्रेन एट क्रॉस टू नेबरिंग कंट्रीज तो बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ तब बहुत सारे इंडियन सिटीजन एंड स्टूडेंट्स यूक्रेन से नेबरिंग कंट्रीज में भी चले गए थे तो उन सारे कंट्री से एंड यूक्रेन से भी इंडिया ने सारे इंडियन सिटीजन को वापस इंडिया ले के आया यह है ऑपरेशन गंगा बेसिकली आप देखिए दोस्तों ऑपरेशन गंगा के लिए नेबरिंग कंट्रीज का असिस्टेंस भी मिला हमें लाइक रोमेनिया हंगरी पोलैंड मोल्डोवा स्लोवाकिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है मैप तो मैंने आपको दिखा दिया सारे नेबरिंग कंट्रीज का अब देखिए इट वॉज प्लान बाई इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन आर्म फोर्सेज राइट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ इंडियन नेशनल्स कब से कब चला 26 फरवरी से 11 मार्च तक आप कौन कौन एक्सीक्यूट किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडियन एयरफोर्स एयर इंडिया इंडिगो स्पेस जेट एयर इंडिया एक्सप्रेस गो फर्स्ट एयर एशिया इंडिया एंड विद द सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्बसी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ठीक है तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स थे आउटकम क्या है ऑपरेशन कंप्लीट हुआ 18,600 इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया ये जो नंबर है ये चेंज भी हो सकता है ठीक है सो दैट्स इट पेपर थी जनल स्टडीज टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज आपको काम आएगा अगला न्यूज है यूक्रेन क्राइसिस क्राइसिसोल्ट राइफल डील विद रशिया देखिए रशिया यूक्रेन वार हमें कैसे इंपैक्ट कर रहा है इस बारे में एक एग्जाम्पल है ये न्यूज चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती को देखते हुए और हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज को देखते हुए हमने सिक्स पॉइंट वन लाख एके टू राइफल्स का एक डील साइन किया था रशिया के साथ और ये जो एके टू जीरो थ्री राइफल्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाला था एक वेंचर के थ्रू इस वेंचर का नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट अमेठी इन उत्तर प्रदेश है और टू टू थ्री स्केल प्रोडक्शन भी होने वाला था। पर अब रशिया यूक्रेन वॉर की, की वजह से ये पूरा डिले हुआ है अब आई के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देखिए इट वॉज मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अभी क्या है एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ऑफ इंडिया रोसोबोरोन एक्सपोर्ट एंड कलानिशकोव ऑफ रशिया तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है ये ए के राइफल प्रोडक्शन में एंड एज पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट 70,000 थाउजेंड ए के टू जीरो थ्री राइफल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया देखिए तो टोटल 6.1 लाख ए के टू इसमें से फर्स्ट सेवेंटी थाउजेंड राइफल्स का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होगा लोकलाइजेशन सेवेंटी परसेंट तक होगा रेस्ट ऑफ द राइफल्स विल बी प्रोड्यूस विद हंड्रेड परसेंट लोकलाइजेशन इसका मतलब क्या दोस्तों पहला जो है हमारी जो मतलब लोकल सपोर्ट है वो सेवेंटी परसेंट तक रहेगा मतलब धीरे धीरे सबसे पहले तो 5 परसेंट लोकल सपोर्ट रहेगा मतलब इंडिया के जो सपोर्ट है 95 परसेंट रशिया की तरफ से होगा फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा लोकलाइजेशन 70 परसेंट तक करेंगे इसके बाद मतलब 70,000 राइफल्स की बात कर रहा हूं इसके बाद 100 परसेंट लोकलाइजेशन होगा बस आप इतना ही समझ लीजिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा ये एक ज्वाइंट वेंचर है ठीक है ये ज्वाइंट वेंचर में पहले कुछ राइफल्स का प्रोडक्शन रशिया के पूरा सपोर्ट से होगा फिर धीरे धीरे रशिया का सपोर्ट कम करके कम करके हम हंड्रेड इसको प्रोड्यूस करने लगेंगे बताया जा रहा है ठीक है तो इसके अलावा और कुछ राइफल्स के बारे में आपको बताना था इसके अलावा हमने डिलीवरी हो चुका है और हमने और एक ऑर्डर किया था यूएसए से वो है सिक्स सेवन वन सिक्स असोल्ट राइफल्स ये सिक्स करके कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है ये भी अब डिले हो चुका है ये टोटल सेवन हंड्रेड करोर का डील है ये अभी

अब देखिए इसके अलावा सिक्स सेवन वन सिक्स असोल्ट राइफल्स भी हमारे पास है ऑलरेडी काउंटर इंसर्जेंसी में वो यूज हो रहा है ठीक है दोस्तों so, सो पेपर टू ऑफ ऑफ पॉलिसीज अदर कंट्रीज न्यूज आपको काम आएगा अगला न्यूज है रेयर बटरफ्लाई डॉक्यूमेंटेड इन द नीलिरीज सबसे पहले आप रेयर बटरफ्लाई का फोटो देख लीजिए ये है वो रेयर बटरफ्लाई इससे पहले इस बटरफ्लाई का स्पोर्टिंग 130 हंड्रेड ईयर्स पहले हुआ था ठीक है अब रिसेंटली नीलगिरीस के कोटेगिरी स्लोप्स में ये स्पोर्ट हुआ है अब नीलग्रीस के बारे में आप सबको मालूम है जहां पे वेस्टर्न गट्स एंड ईस्टर्न गट्स का है ना दोस्तों उधर आपको नीलगिरी हिल्स मिलेगा ऊपर से रिसेंटली नीलगिरी हिल्स काफी न्यूज में था एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था एक हेलीकॉप्टर का क्रैश जिसमें हमारा बिलाउड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे तो देखिए ये जो रेयर बटरफ्लाई स्पोर्ट हुआ है इसका नाम है रॉयल बटरफ्लाई साइंटिफिक नेम तजूरिया मिलास और माँ रॉयल इज वेरी रेयरली सीन इन इंडिया देखिए इंडिया में वेरी रेयरली ये दिखता है विथ ओनली और और रिकॉर्ड्स इन अभी तक है, इसका का मतलब चार और पांच बार ये स्पोर्ट हुआ है इंडिया में नीलगिरीज में डिंडीगल में केरला में भी हुआ था एंड कर्नाटका में भी हुआ था तो बेसिकली वेस्टर्न गट्स के आसपास ये बटरफ्लाई का स्पोर्टिंग हुआ था रीजन क्या है फॉर इट्स रेयरिटी कुड बी मेनी देखिए ये इतना ज्यादा नहीं दिखने का दो रीजन बोल सकते हैं एक तो ईच बटरफ्लाई हाथ से हो प्लान ये पर्टिकुलर प्लान के साथ रहता है ये बटरफ्लाई हमेशा जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो अब ये जो प्लांट है ये भी बहुत रेयर है तो इस वजह से हो सकता है ये बटरफ्लाई ज्यादा दिखते नहीं है और द ब्रांडेड रॉयल इज ऑल्सो हार्ड टू तो आइडेंटिफाई आस इट कुड बी मिस्टेकन टू बी डिफरेंट स्पीशीज आप देखिए ये जो बटरफ्लाई है इसके जैसा अनेक बटरफ्लाई है तो इसे मतलब

एक वर्चुअल इनिशिएटिव था मतलब एक टाइप का वर्चुअल मीटिंग हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाना इस मिशन के इंडोवेश के बारे में लोगों को बताना समझाना ये सब जेंडर संवाद का ऑब्जेक्टिव था तो बस आप यही समझ लीजिएगा ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंडर एक वर्चुअल मीटिंग हुआ जिसका नाम दिया गया जेंडर संवाद इसमें करीब थ्री थाउजेंड स्टेट मिशन स्टाफ एंड सेल्फ ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स भी अटेंड किए राइट जेंडर संवाद का थर्ड एडिशन था ये थीम क्या था प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू विमेन कलेक्टिव राइट तो सबसे पहले हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में बेसिक डिटेल समझ लेते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था इन जून टू इसका इन्वेस्टमेंट सपोर्ट वर्ल्ड बैंक से है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट वर्ल्ड बैंक करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिएटिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स फॉर द रूरल पुअर देखिए नाम से आपको पता चल गया होगा ये रूरल से रिलेटेड है रूरल एरिया में जो पुअर लोग हैं उनके लिए ये मिशन काम करते हैं एनेबलिंग डम टू इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम उनका जो हाउस होल्ड इनकम है उसे इंक्रीज करना उनके लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड एनहैंसमेंट प्रोवाइड करना एंड फिनेंशियल सर्विसेज के लिए एक्सेस प्रोवाइड करना ये सब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो अब एनआरएलएम का एजेंडा क्या है टू कवर सेवन करोड़ रूरल उस होल्ड so, मतलब इसके अंदर मतलब एनआरएल के अंडर सेवन करोर रूरल पुअर हाउस होल्ड को कवर करेंगे ग्राम पंचायत एंड सिक्स लैक विलेजेस इन द कंट्री थ्रू सेल्फ मैनेज सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बेसिकली इस मिशन के अंदर कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जो इस मिशन को ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे ठीक है अब इसका जो टारगेट दिया हुआ है एट टू टेन ईयर्स के अंडर नवंबर 2015 में मतलब नवंबर सॉरी जून 2011 में ये लॉन्च हुआ था और चार साल बाद इसका नाम चेंज किया दीन दयाल योजना डे एनआरएलएम तो अभी के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम दीनदयाल योजना है तो जेंडर संवाद में क्या क्या डिस्कशन हुआ बस अब यही समझ लीजिए एन आर एल एम के अंडर जितने एक्टिविटीज़ प्लान है वो अब तक कैसे चला आगे क्या क्या करेंगे परफॉर्मेंस कैसे रहा उन सब के बारे में बस डिस्कशन हुआ देखिए क्या लिखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर द डे एन आर एल एम आर वर्किंग ऑन मल्टीपल इंटरवेंशन वो माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए काम कर रहा है रूरल हाउस होल्ड्स के इनकम को एहैंस करने के लिए काम कर रहा है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए काम हो रही है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ न्यूट्रीन रिच फूड क्रॉप्स के लिए काम हो रही है सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए काम हो रही है तो यह सब बता रहा है मतलब अब तक क्या क्या एक्टिविटीज किए परफॉर्मेंस कैसा रहा अच्छा चल रहा है या नहीं ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ फिर देखिए एस एच जी वीमेन कैन प्रमोट बिहेवियर चेंज काउंसिल वीमेन ऑन केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो वीमेन है वो क्या क्या कर सकते हैं देखिए विमन के जो बिहेवियर चेंज है उसमें यह कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है लो बर्थ वेट बेबीज को केयर यह दे सकता है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर सकता है हेल्थी डाइट कंसम्पन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिय मैरिज एट द राइट एज यह सब इंश्योर कर सकता है तो यह सबके बारे में जेंडर संवाद में बेसिकली डिस्कशन हुआ ठीक है तो इसके लिए मतलब तो इस न्यूज में आपको इंपॉर्टेंट क्या है एनआरएलएम मिशन के बारे में देख लीजिएगा और जनरल संवाद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये एक परफॉर्मेंस एनालिसिस था या फिर आप बोल सकते हो एक रूटीन डिस्कशन था ये थर्ड एडिशन हुआ था जनता संवाद का जिसे दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने ऑर्गेनाइज किया था तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट आई होप आपको समझ में आया होगा लक्ष्य की पीडीएफ डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बे हैव एन इस्टे